chapter number 5, class 9 chemistry. I am giving the lecture of class 9. Chemistry chapter number is 5. Physical chapter name is physical states of matter. Matter, okay. Today topic is effusion. Effusion, what is effusion? क्या है? Example के साथ define करें. देखिए मैंने दो diagrams बनाए. Look at them carefully. There are two diagrams. How many diagrams? Two diagrams. ये समझे कि cycle का tube होता है. साइकिल का टायर होता है मोटरसाइकिल का, उसके ट्यूब में अगर आप पंचर हो जाए, होल हो जाए, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, निकल जाएंगे उस सुराख से, सब जगह फैल जाएंगे. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ टिनी होल. एक छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सुराख हो गया है, ये होल हो गया है, इसमें से जो मॉलिक्यूल्स है ये सब जगह आके फैल जाएंगे. तो क्या कह रहा हूँ, एस्केपिंग माने बाहर जाना, निकल जाना. किसका? गैस के मॉलिक्यूल्स का. एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ टिनी होल इनटू अ स्पेस एरिया, एक बड़ी जगह पे फैल जाना, सही है, विद लेसर प्रेशर, बहुत कम प्रेशर के साथ, इस कॉल इफ्यूजन, इसको कहते हैं इफ्यूजन. अच्छा, इफ्यूजन किस में होती है? गैस के मॉलिक्यूल्स में. और डिफ्यूजन किस में होती है? लिक्विड के अंदर हो सकती है, जैसे परफ्यूम की बोतल, या सॉलिड यानी बिरयानी चावल वगैरह, या फूल किसी भी चीज की खुशबू का फैल जाना, वो डिफ्यूजन है. और इफ्यूजन में क्या आता है? गैस के मॉलिक्यूल, जैसे साइकिल का टायर है, ट्यूब है, उसकी हवा पंचर हो गई, हवा निकल के सब जगह पूरे एरिया में फैल गई, ये क्या कहलाया? इफ्यूजन. एक बैलून है, बच्चे का गुब्बारा है, उस गुब्बारे में आपने होल कर दिया तो क्या होगा, उसके अंदर जो हीलियम गैस है या हाइड्रोजन गैस, वो सब जगह फैल जाएगी. तो ये भी गैस के मॉलिक्यूल्स का फैलना इफ्यूजन, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का फैलना डिफ्यूजन. लिक्विड की एग्जाम्पल में परफ्यूम की बोतल आ गई, कोई फूल की खुशबू, बिरयानी की, कोई भी चीज हो, ये क्या आएगी? डिफ्यूजन. और इफ्यूजन में साइकिल के टायर की हवा निकल जाए, बैलून से हवा निकल जाए, फुटबॉल से हवा निकल जाए, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के फैल जाने क्या होगा? इफ्यूजन. ओके, आज का ये टॉपिक पे मैंने समझा दिया है. सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, राइट द कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. ओके, थैंक यू.